मध्य प्रदेश में खेडूतों पर फायरिंग बाद 6 जिला खेडूतों ना मौत ना मामले रोष व्याप्यो छे त्यारे आज आम आदमी पार्टी ना कार्यकरोए मध्य प्रदेश ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ना पुतला दहन कर्यु हतु। मध्य प्रदेश में खेडूतों ना विरोध मामले पुलिस द्वारा फायरिंग करवामां आवता 6 जिला खेडूतों ना मृत्यु थया हता, जेने लईने मध्य प्रदेश में भरेला अग्नि जेवी स्थिति छे। आ घटनाना विरोध में आज वडोदरा ना गांधीनगर गृह खाते आप पार्टी ना कार्यकरो द्वारा मध्य प्रदेश ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नु पुतला दहन करी सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता। જોવા જેવી વાત તો એ છે કે ભાજપ જેવા વિશાળ અને સત્તાધારી પક્ષને ટક્કર આપવાની વાતો કરતી આપ પાર્ટી દ્વારા વડોદરાના પ્રમુખપદની ટોપી જેને પહેરાવાય છે તેવા કોંગ્રેસમાંથી આવેલા ચિન્નમ ગાંધી પોતે પણ ભૂલી ગયા હતા કે જેનો તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને તે ઘટના ક્યાં બની છે। राजस्थान में मध्य प्रदेश फार्मर्स के ऊपर फायरिंग हुआ, मध्य प्रदेश में। त्यार बाद तेओए कोनु पुतला दहन कर्यु छे ते विषे बोलवा जती वखते तेमनी पाछळ उभेला कार्यकरे तेओने मध्य प्रदेश ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नु पुतला दहन कर्यु छे तेओ वारंवार कान मा याद करावी रह्या हता। मध्य प्रदेश के अंदर मरण हुआ फार्मर्स, इसका जवाबदार पूरा भारतीय जनता पार्टी का है और जनता पार्टी का जो भी जवाबदार स्वीकार है और इसको जितने भी बाकी वालों को न्याय मिले, फार्मर्स को भी न्याय मिले। किसका पुतला जला हुआ? अभी से हमारा पुतला जला हुआ? अभी से हमारा पुतला जला हुआ? अभी से हमारा पार्टी के तरफ से, आम आदमी पार्टी के तरफ से शिवराज सिंह चौहान का वो जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, इसका पुतला जला है। आ दृश्य जोता लागे छे कि आप पार्टी माटे दिल्ली दूर नहीं, अशक्य है।